बच्चों सुनिए, पाठ का नाम हमारा देश। हमारा देश में शब्द ग्रामर, सही शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। धर्मम विशाल, राष्ट्रभाषा दिल्ली, वेदों पुराणम। भारत एक डैश देश है, भारत एक विशाल देश है। भारत की राजधानी डैश है, भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत में कई डैश के लोग रहते हैं, भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदी को डैश माना गया है, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है। यहाँ डैश और डैश की रचना हुई, यहाँ वेदों और पुराणों की रचना हुई। निबिन्न लिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। राजधानी क्या है? कैपिटल। राष्ट्रभाषा क्या है? नेशनल लैंग्वेज। शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ क्या है? एजुकेशन। महान अर्थ क्या है? ग्रेट। प्रांत रीजियन। धर्मों रीजियन रिलीजियन। उत्तर नॉर्थ। कला आर्ट। राजधानी कैपिटल, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, शिक्षा एजुकेशन, महान ग्रेट, प्रांत रीजियन, धर्म रिलीजियन, उत्तर नॉर्थ, कला आर्ट। उल्टे अर्ध वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स। एक अनेक, जन्म मरण, उत्तर दक्षिण, डर निडर। एक अनेक, जन्म मरण, उत्तर दक्षिण, डर निडर। वचन बदलिए। चेंज द नंबर। धर्म धर्मों, प्रांत प्रांतों, वेद वेदों, पुराण पुराणों। हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। राइट इन एस आर नो। हमारा देश का नाम भारत है, हमारा देश का नाम भारत है। हाँ, पंजाबी राष्ट्रभाषा मानी जाती है, पंजाबी राष्ट्रभाषा मानी जाती है। नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है। हाँ, उच्चारण कीजिए। स्पीक क्लाउडली। बौद्ध राष्ट्रभाषा, तीर्थस्थल हिमालय, महापुरुष पुराण, पर्वत। धन्यवाद।